बागपत डीएमएसपी ने जनपद के सभी बैंक कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग लेकर उन्हें सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सिस्टम दुरुस्त रखने और बैंक स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट स्थित जिला सभागार में शुक्रवार को डीएम शकुंतला गौतम और एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव ने बैंकों व एटीएम की सुरक्षा के मद्देनजर जनपद के सभी बैंक कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग ली। डीएमएसपी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को बैंकों व एटीएम की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी बैंकों में सीसीटीवी कैमरे ठीक कराने के साथ ही हर रोज उनकी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए। एटीएम बूथों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ही बैंक स्टाफ को भी पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया। इसके साथ ही सभी बैंक कर्मचारियों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों को देख तत्काल पुलिस को सूचना देने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ऑटो डॉयलर को भी पूर्ण रूप से सही रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में जनपद के सभी बैंकों के कोऑर्डिनेटर्स और प्रतिनिधि शामिल हुए। बागपत सोनभद्र की तरफ जाओगे या चंदौली वगैरह में जहां पर नक्सलीजन की प्रॉब्लम रही है, तो वहां पर आपको जो बिल्डिंग मिलेगी पूरी दीवार में एक इतना बड़ा होल मिलेगा बस, बाकी वो पूरी दीवार ज्यादा मोबाइल पे दिखाना नहीं तो बाहर जाके कर लेंगे। उसके जो बारे में लिखा जा रहा है Instructions should be issued to all branches having armors. The gun licenses should be kept up to date. कभी कभी आप देखेंगे तो पहले का है उन्होंने अपडेट नहीं करवाया है, वो भी ठीक नहीं है। आप उसके लिए कोई मना भी नहीं करेगा, जो बैंक से जो भी संबंधित है या व्यक्ति संबंधित वो हमेशा आपका अपडेट होता रहेगा, तो बस वो समझे करवा रहे हैं। All armors should be instructed to wield and maintain the gun. जो बात आ रही है कि अगर आर्म कंडीशन है तो वो प्रॉपर कंडीशन, वर्किंग कंडीशन। अच्छा, ये भी देख लें कि भाई वो कभी साफ हाथ करता है गन को कि नहीं करता है, पता चले साफ ही नहीं किया। लेकिन जो सुपरवाइजरी होता है जो मॉनिटरिंग करता है वो तो पूछेगा भाई टोका टाके आप करोगे तो वो अलर्ट हो जाएगा कि रहा भी तो की इफ यू आर द स्पॉट इन मीटिंग थी सर, इसके बारे में अपडेट। देखिए पहले भी इस तरह की मीटिंग हुई है और ये नियमता तो हर महीने होती है इस तरह की मीटिंग। इसमें जितने भी बैंक हैं हमारे उनकी ब्रांचेस खुली हुई हैं और एटीएम्स हैं, कैश वैंस हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, मतलब पूरी तरीके से इनकी सुरक्षा इंश्योर कराना हम लोगों को ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है। तो उसी संदर्भ में आप उसी सिक्योरिटी को लेकर के इन लोगों के साथ मीटिंग की गई, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी बैंक हैं हमारे पूरे जनपद में बागपत में, उसमें इनको आरबीआई की जो सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन है, सिक्योरिटी की गाइडलाइन है, उसको पढ़ करके भी बताया गया है। और इसके अलावा पूरे जनपद के जितने भी बैंक हैं जहाँ जो भी कमी वेसी है उसके संबंध में हम लोगों ने इसके पहले भी पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की है हर थाने से, और बैंक से अलग रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। उसमें जो भी कमियाँ हैं, जैसे सायरन अगर है तो बज रहा है कि नहीं, या सीसीटीवी कैमरे हैं तो चल रहे हैं कि नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, नाइट विजन कैमरे हैं कि नहीं, इस तरह के जितने भी सिक्योरिटी मानक के गार्ड हैं कि नहीं, आम एमुनेशन की स्थिति क्या है, वो सारी चीज़ें उसकी पूरी तरीके से रिव्यू की गई है, उसकी समीक्षा की गई है, और जो भी कमियां पाई गई अभी उनको फौरी तौर पे भी बताया गया है उसको पूरा करें। इसके अलावा हम लोग उनको लिखा पढ़ी भी दिख रहे हैं। बैंक में जो है कैमरे बंद रहते हैं, एक बार खराब होने से वैसे बंद रहते हैं सब? हाँ, निश्चित तौर से आप जैसा हमने बताया कि कैमरों की भी बात है, बहुत सारे ब्रांचेज में बहुत सारी जगहों पर कैश लिमिट इनकी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर मानक के अनुसार वो गनर जो होते हैं, सुरक्षा गार्ड्स होते हैं, वो भी नहीं लगे हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक तो इन लोगों को अभी हिदायत भी दी गई है, उसके साथ लिखा पढ़ी में भी हम इनके साथ पत्राचार कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द उस मानकों को पूरा करा लें। बाकी जो हमारे स्तर पर जितने भी थाने हैं, जितनी भी चौकियाँ हैं, सारे ICOPs को, सारे थाना अध्यक्षों को ये स्पष्ट निर्देश है, लिखा पढ़ी में निर्देश है कि वो इनके साथ टाई अप करके, बैंक वालों के साथ टाई अप करके पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करें।